जब इंसान के अंदर से इंसानियत खत्म हो जाती है, जब पुलिस का खौफ निकल जाता है, जब संसार से मोह नहीं रह जाता, तो वो बन जाता है क्रिमिनल और जुर्म की दुनिया में अपराध के काले पन्नों पर अपना नया आधार कार्ड बनवा लेता है, जिसका पता कई अपराध से गुजरते हुए आखिर में जेल होता है। जुर्म के अनोखे अफसाने, हैरतअंगेज और खौफनाक वारदात की खून से सनी तस्वीरें जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी, लेकिन हमारा मकसद सनसनी फैलाना नहीं बल्कि आपको सावधान करना है। कहीं कातिल आपके आसपास तो नहीं? तो आज फिर से हाजिर हूं मैं, सुरभि राजपूत, सनसनी से भरी कई वारदातों के किस्से को लेकर, जो कराएंगी आपका सच से सामना और रूबरू कराएंगी आपको दुनिया की सच्चाई से। हम आपको दिखाएंगे जुर्म से जुड़ी हर खबर, क्योंकि आपके हर तरफ घूम रहे हैं क्रिमिनल, तो हो जाइए तैयार और खोल लीजिए आंख कान। तो दोस्ती एक बार फिर से कलंकित हुई है। इस बार पानीपत में हुई वारदात ने दोस्ती पर सवाल उठा दिया। एक दोस्त अपने ही दोस्त के मर्डर का मास्टरमाइंड निकला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। मर्डर मिस्ट्री सुलझी लेकिन दोस्ती की कहानी उलझी। सिम सिम की कहानी और दोनों दुश्मन बने जानी। विनय ही निकला क्राइम मास्टर, जुर्म की दुनिया का फास्टर। मर्डर मिस्ट्री सुलझी, दोस्त ने ही मारी थी गोली। लीजिए दोस्ती की एक नई कहानी पेश है। दो दोस्तों में सिम बेचने की कहानी ने एक नया मोड़ लिया, जो एक दोस्त पर भारी पड़ गया और उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ गया। परिवार के बाद अगर किसी पर भरोसा किया जा सकता है तो वो आपका दोस्त हो सकता है, लेकिन दोस्ती और कंपटीशन इस कदर किसी की जान की दुश्मन बन जाएगी, अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो जाता है। मास्टरमाइंड का नाम है विनय। नाम में जितनी सरलता, कांडों में उतनी ही दुर्बलता। ये वही विनय है जो अपने दोस्त को गोली मार कर लूट की वारदात को अंजाम देने का मास्टरमाइंड है। दोस्ती जरा संभल कर। विनय निवासी कारद कंपनी के सिम बेचता था। 12 जनवरी को गांव ग्लाडुआ में सिम पोर्ट करने के बाद गांव नामुंडा में सत्संग भवन के पास छतरी लगाकर बैठा हुआ था। करीब 12:30 बजे बाइक पर दो युवक ग्वालडा की तरफ से आए। उन्होंने मुंह पर रुमाल बांधा हुआ था। युवक आते ही सिम पोस्ट करवाने की बात कहने लगे। वो मोबाइल की आईडी खोलने लगा। तभी दोनों युवकों ने विनय के साथ हाथापाई शुरू कर दी। एक आरोपी ने पिस्तौल निकालकर जान से मारने की नीयत से उसके ऊपर गोली चला दी। गोली उसकी बाजू के आर पार निकल गई। गोली मारने के बाद आरोपी दोनों के बैग छीन कर गाँव ग्वालडा की तरफ भाग गए। बैग में 21,000 रुपए, पंचिंग मशीन, नई सिम और अन्य कागजात थे। पुलिस अधीक्षक शशांक कुमार सावंत के मार्गदर्शन में कार्रवाई करते हुए CIA 3 पुलिस की टीम ने लूट की वारदात का पर्दाफाश करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वारदात के समय साथ में दूसरी कंपनी के सिम बेच रहा दोस्त विनय निवासी कारद ही मास्टरमाइंड निकला। पुलिस टीम ने आरोपी विनय और उसके दोनों साथी आरोपियों को वारदात में प्रयोग एक बाइक, एक देसी पिस्तौल और 5 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया है। CIA 3 प्रभारी इंस्पेक्टर अंकित ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में तीनों आरोपियों ने वारदात को अंजाम देने के बारे में स्वीकारा। अन्य वारदातों के बारे में पूछताछ करने और लूटी गई 21,000 रुपए की नकदी बरामद करने के लिए पुलिस टीम ने तीनों आरोपियों को माननीय न्यायालय में पेश कर 4 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है। इंस्पेक्टर अंकित ने बताया कि पूछताछ में आरोपियों से खुलासा हुआ, तीनों आरोपियों ने शॉर्टकट तरीके से पैसे कमाने की चाहत में योजना बनाकर लूट की उक्त वारदात को अंजाम दिया।
आरोपी विनय ने साथी आरोपी मनदीप और नरेंद्र को बताया था कि उसकी तरह दूसरी कंपनी में काम करने वाला उसका दोस्त आरिफ छतरी लगाकर सिम बेचने के साथ ही गांव में मोबाइल की दुकानों से कैश कलेक्शन कर ऑफिस में जमा करवाता है। आरिफ के पास बैग में हमेशा पैसे होते हैं। क्राइम की वारदात कोई नई नहीं है, ना ही पानीपत के लिए और ना ही पानीपत पुलिस के लिए। पुलिस तो वारदात का खुलासा करके अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन उस परिवार का क्या जिसने पुलिस की लापरवाही का खामियाजा अपने परिवार को ठोकर भुगता। पानीपत से अनीश कौशिक की रिपोर्ट। तो हरियाणा में हिट एंड रन के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला फरीदाबाद से सामने आया, जहां पर एक आरोपी ने पहले स्कूटी को टक्कर मारी और फिर कार को बैक किया और युवक को कुचलकर मौत की घाट उतार दिया और मौके से फरार भी हो गया। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। आपकी टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें हरियाणा के फरीदाबाद की है। सीसीटीवी में तस्वीरें साफ दिखाई दे रही है। रात के अंधेरे में कार चालक ने स्कूटी सवार दो युवकों को जोरदार टक्कर मारी, फिर भागने के लिए कार बैक करते हुए युवकों को कुचल दिया। ये तस्वीरें अपने आप में गवाह हैं कि कैसे हिट एंड रन के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। स्कूटी पर सवार होकर घर लौट रहे मृतक अंकित के दोस्त और चश्मदीद राजेश के मुताबिक अंकित और वह मुजेसर इलाके में अपनी वेल्डिंग की वर्कशॉप को बंद करके 14 जनवरी की रात करीब 10 बजे घर लौट रहे थे, तभी ये हादसा हुआ। आरोपी कार चालक ने उन्हें टक्कर मारने के बाद अंकित को दोबारा कुचलते हुए मौके से भाग गया। हादसे में घायल हुए दो युवकों में से एक की इलाज के दौरान मौत हो गई, वहीं दूसरे का अस्पताल में इलाज जारी है। हादसे में घायल युवक राजेश ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस हाथ पर हाथ रखकर बैठी हुई है, अभी तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। पीड़ित की मांग है कि आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की जाए। भाई शाम को 9:30 का टाइम था, हम वर्कशॉप बढ़ा के घर की तरफ आ रहे थे। मुझे सर की तरफ लाल बत्ती है, उससे पहले ही झुग्गियों के पास हम दोनों आ रहे थे। आराम से दोनों भाई बात करते हुए सामने से एक बंदा, जैसे ही उसने हमें देखा उसने गाड़ी की स्पीड एकदम अपनी से रफ्तार से दुगनी करके और स्कूटी में इतनी बुरी तरह मार के वो रुका भी नहीं। वहाँ उसने बहुत बुरी तरह मारा, देखने के बावजूद भी पूरी कोशिश करके भाई के ऊपर 2-3 बार गाड़ी चढ़ाई है। अरे बच्चे को मार दिया जी, कई बार उस पर चढ़ाया, ऊपर नीचे किया, कई बार मार दिया जी। तो वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है, मैं क्या कहूँ आपसे जी, मेरा बच्चा को मार दिया जी। मेरा बच्चा तो एकदम धीरे धीरे अपने आ रहा था जी, और वो दूसरी गाड़ी वाला इतना उनके सामने से ओवरटेक करके उनके साइड में आकर इतना बुरी तरह मारा। आप बच्चे हमारे गिर गए, गिरने के बाद में हमारे बच्चे के ऊपर 2-3 बारी ऊपर नीचे किया, फिर वहां से गया जी, हमारा बच्चा तो मर गया जी। हम क्या करें जी, पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई चल रही है, जिस तरह से सीसीटीवी में वीडियो वायरल हो रही है, पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई चल रही है? कहाँ जी अभी कहाँ जी, अभी तो कुछ यहाँ। हादसे में मारे गए अंकित की शादी फरवरी महीने में होने वाली थी। शादी से एक महीने पहले ही अंकित की हिट एंड रन मामले में मौत हो गई। माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल है। पिता और भाई ने घटना के बाद पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया। पीड़ित परिवार का कहना है कि पुलिस ने भले ही गाड़ी को बरामद कर लिया है, लेकिन आरोपी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। उनकी मांग है कि आरोपी के खिलाफ धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाए। पुलिस वाले आए थे राजेश के पास, राजेश से पूछा, राजेश ने अपना पूरा बयान दिया। राजेश के बयान देने पर पुलिस वालों ने कार्रवाई स्टार्ट करी, बट पुलिस वालों ने ये बोला कि एक बार आपके भाई की भी गवाही की जरूरत है। बट मेरा भाई उस टाइम कोमा में था और वो गवाही देने की हालत में नहीं था, तो पुलिस वालों ने ये बोला कि हम लोग थोड़ा वेट करते हैं, जैसे वो होश में आ जाएगा तो हम उसका बयान लेंगे और इसकी कार्रवाई स्टार्ट करेंगे। तो मेरा भाई इस दुनिया में नहीं रहा, तो पुलिस वालों ने ये बोला कि हम लोग आएंगे और बयान लेंगे। तो पुलिस वाले आजकल करते करते मतलब अभी कुछ कार्रवाई नहीं और अपराधी
आराम से मौज कर घूम रहा है। कौन सी गाड़ी है, क्या नंबर है, कुछ पता चला है इसका? सर वो गाड़ी का नंबर रेनॉल्ड्स ट्रिबर था और नंबर HR 51AB HR 29AB। प्यारे साहब, एक गाड़ी वाले ने स्कूटी वाले में टक्कर मारी है, टक्कर मारने के बावजूद भी उस पर दो बार गाड़ी चलाई, क्या है पूरा? ये सेक्टर 23 एरिया का मामला है। जो गाड़ी जो सवार जो आरोपी है उसने ये गाड़ी को ओवरटेक करने के लिए जैसे ओवरटेक किया, सामने से स्कूटी आ रही थी उसमें टक्कर मार दी, जिसमें स्कूटी सवार जो ड्राइवर था उसको हाथ में चोट लगी है, रात में फ्रैक्चर आया है, और दूसरा जो उसके पीछे बैठा था वो जंप होके और गाड़ी के बोनट पे गिर गया था। बोनट पे गिरने के बाद साइड में गिर गया था, स्कूटी गाड़ी के अंदर घुस गई थी। आरोपी एक्सीडेंट करने के बाद भागने के चक्कर में उसने आगे स्कूटी उसमें आगे फंसी हुई थी तो उस गाड़ी को पीछे किया और उसके बाद फिर गाड़ी स्कूटी निकलने के बाद उसने दोबारा से गाड़ी को। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने हिट एंड रन का केस दर्ज किया है। इस मामले में पुलिस प्रवक्ता सुबे सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा कि हिट एंड रन मामले की FIR दर्ज कर ली गई है, जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हर खबर के लिए फरीदाबाद से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। तो हरियाणा में फरीदाबाद जिले के एक नामी अस्पताल में पुलिस ने छापेमारी की और डॉक्टर और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। बता दें अस्पताल में बड़े पैमाने पर अवैध रूप से गर्भपात का धंधा चल रहा है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। डॉक्टर रूपी भगवान अब बन रहे शैतान। स्वास्थ्य विभाग का छापा, अस्पताल प्रशासन कांपा। अवैध रूप से गर्भपात, क्या खत्म हो गए जज्बात? हमारे देश में डॉक्टरों को भगवान कहा जाता है। जब मरीज अस्पताल पहुंचता है तो उसे उम्मीद होती है कि अब वो ठीक हो जाएगा, लेकिन जरा विडंबना देखिए, वही भगवान रूपी डॉक्टर चंद पैसों के लालच में गैर कानूनी काम करने से परहेज नहीं करते। फरीदाबाद जिले में पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने ऐसे ही गैर कानूनी काम करने वाले एक नामी अस्पताल में छापा मारा। अस्पताल में बड़े स्तर पर अवैध रूप से गर्भपात किया जा रहा था। पुलिस ने मौके से आरोपी डॉक्टर और उसकी पत्नी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। वही आरोपी का बेटा पुलिस की नजरों से बचकर फरार हो गया। ये 4 आदमी इसमें संलिप्त है और जो भी MTP एक्ट के 3, 4, 5 और नियम जो ये पब्लिक से धोखाधड़ी कर रहे हैं, ये सेंटर रजिस्टर्ड नहीं है। ये डॉक्टर MBBS अपने आप को बता रही है, जो मैडम जिसने ये MTP की है, लेकिन उसके साथ भी एक सर्टिफिकेट MTP का होना जरूरी है और सेंटर रजिस्टर्ड होना जरूरी है। उसमें ये देखते हैं कि उसकी जान मान को, पेशेंट की कोई खतरा तो नहीं है और क्या डॉक्टर उसको करने के काबिल है या नहीं है, ये दोनों चीज इनके पास नहीं है। पुलिस को सूचना मिली थी कि संजय कॉलोनी स्थित सम्राट अस्पताल में बड़े स्तर पर अवैध रूप से गर्भपात किया जा रहा है। फिर क्या था, पुलिस ने इस अवैध धंधे का भंडाफोड़ करने के लिए अपने आदमी को नकली ग्राहक बनाकर भेजा और जैसे ही डॉक्टरों ने अपना काम शुरू किया वैसे ही पुलिस और स्वास्थ्य अधिकारियों ने वहाँ पर छापा मार दिया। अस्पताल से स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने गर्भपात के तमाम औजार के साथ 7,500 रुपये बरामद किए। इस गर्भपात के धंधे में आरोपी डॉक्टर और उसकी पत्नी समेत 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इस पूरे डॉक्टर का बेटा मौके से फरार हो गया। ये असमर्थ है इन डॉक्यूमेंटेशन को दिखाने के लिए और जो प्रक्रिया MTP नियमों के एक्ट के तहत बनती है, जो पब्लिक से धोखाधड़ी कर रहे हैं और जो ये अनाप शनाप ये पैसे भी ले रहे हैं, इन सबके खिलाफ ये पूरी प्रक्रिया कार्रवाई की जाएगी। हमारे साथ में ड्रग कंट्रोल ऑफिसर भी है, इन्होंने दवाई वगैरह भी है, जो भी है, एक MBBS होने के नाते दवाइयां ये रख सकते हैं, लेकिन जो भी बनती है MTP के तहत तो पूरी कार्रवाई प्रक्रिया की जाएगी। अब देखने वाली बात होगी कि अस्पताल के खिलाफ क्या कड़ा एक्शन लिया जाएगा, क्या अस्पताल को अब सील किया जाएगा या मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। फरीदाबाद से संवाददाता जयप्रकाश भाटी की रिपोर्ट।
तो गुरुग्राम रेलवे स्टेशन के पास 10वीं कक्षा के छात्र का शव मिला है। मृतक अपने दो फेसबुक दोस्तों के साथ मौके पर गया था। परिजनों का आरोप है कि उन्हें छात्र के लापता होने की सूचना सेक्टर 5 थाना पुलिस को भी दी थी, लेकिन 18 घंटे तक पुलिस हरकत में नहीं आई। देखिए ये रिपोर्ट और जानिए क्या है मामला। दोस्ती में खूनी खेल, पहले दोस्ती फिर हत्या, हत्या कर झाड़ियों में फेंका शव, ये सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं आप। यहां तीन दोस्त एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर कैसे घूम रहे हैं, जैसे लग रहा है इनकी यारी सब पर भारी है। लेकिन ये किसे पता कि ये यारी एक दिन अपने ही दोस्त पर भारी पड़ जाएगी। दरअसल पूरा मामला गुरुग्राम रेलवे स्टेशन का है, जहां पर 10वीं कक्षा के छात्र का शव ट्रेन दुर्घटना स्थल के पास मिला है। आपको बता दे कि मृतक अपने दो फेसबुक दोस्तों के साथ घूमने वहां पर गया था, जहां उसकी मौत हो गई। अशोक विहार का रहने वाला वरुण एयरफोर्स स्कूल में 10वीं कक्षा का छात्र था। उसकी दोस्ती कुछ दिन पहले फेसबुक के जरिए अशोक विहार के ही रहने वाले दो छात्रों से हुई थी। वहीं वरुण के पिता ने बताया कि घटना के तीन दिन पहले से वरुण के ये फेसबुक दोस्त घर आते थे और अपने साथ वरुण को ले जाते थे। कुछ देर बाद ये सभी वापस आ जाते थे, लेकिन 23 जनवरी की शाम को ये लोग वरुण को अपने साथ ले गए, लेकिन बाद में वरुण वापस नहीं लौटा। वो आए एक से डेढ़ घंटे बाद आए, उल्टे आगे बुझाए वरुण आ लिएगा घर पे। मैंने नहीं आया जी, वरुण तो घर पे। जब हमने वो पकड़े हमें, वो नाले पे ले गए है, वहां से बताने लग रहे वो वरुण आगे भागा है, हम उसके पीछे भागे है। जैसे हमने सुबह हुई तो हमने सीसीटीवी देखा, तो उसमें देख रहे हैं ये बच्चे तीनों जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं और वापसी में दो बंदे आ रहे हैं, जो कम से कम 40 से 45 मिनट बाद। तो सुना आपने, एक पिता का दर्द जो अपने बेटे के लौटने का इंतजार कर रहा है। वरुण के पिता और मामा ने बताया कि इस बारे में उन्होंने गुरुग्राम सेक्टर 5 थाने में पुलिस को शिकायत दी, लेकिन पुलिस लगातार टालती रही। लेकिन 18 घंटे बीत जाने के बाद भी जब वरुण का पता नहीं लगा तो पुलिस उन्हें टालने की कोशिश करती रही, तो उन्होंने थाने में हंगामा कर दिया। जी हाँ, हंगामा कर दिया। वहीं हंगामा करने के बाद जब वरुण के मोबाइल की लोकेशन ट्रेस की गई तो पता चला कि वरुण का शव गुरुग्राम रेलवे स्टेशन के पास झाड़ियों में पड़ा हुआ है, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया। घटना ये थी, ये जो बचे दो, उसके दो फ्रेंड है जो कि 3-4 दिन से कंटिन्यू उसके पास आ रहे थे, और वो उसको शाम को 6 बजे के आसपास घर से बुला कर लेके गए। उसके बाद जो है वो लड़के खुद ही 1-1.5 घंटे बाद आए हैं पूछने की भाई वो घर आया कि नहीं आया। वो बच्चा उन्हीं के साथ रेलवे ट्रैक की तरफ गया है, और वहाँ पे पता नहीं उसके साथ क्या हादसा हुआ है, उन्होंने हमें कुछ खुल के बताया नहीं, लेकिन हमने जब कैमरे वगैरह चेक किए रास्ते के। फिलहाल जीआरपी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है, और मामले में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया है। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर की माने तो छात्र को हाई वोल्टेज करंट लगा है। पोस्टमार्टम बच्चे का आज सुबह किया है, जो रेलवे पुलिस पोस्टमार्टम के लिए लेकर आई है, जिसको बोर्ड द्वारा किया है। बोर्ड में डॉक्टर ललित चोपड़ा जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट है और मैं, हम दोनों का बोर्ड था। इसमें हाई टेंशन करंट से लगने से की फाइंडिंग्स मिली हैं, शरीर पर चोटें भी मिली हैं, जिसको सारी फाइंडिंग्स नोट कर ली हैं और बॉडी परिवार को हैंडओवर कर दी गई पोस्टमार्टम करने के बाद। वही मामले में जीआरपी पुलिस अपनी थ्योरी बता रही है। जीआरपी थाना प्रभारी की माने तो जिस स्थान पर शव मिला है वहां वैगन कार में मारुति की गाड़ियां लोड अनलोड की जाती हैं।
ये छात्र उन गाड़ियों को देखने के लिए आए थे। किसी ने छात्र को बताया था कि वैगन कार की छत से अंदर जाने का रास्ता है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि छात्र छत के रास्ते अंदर जाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन उसे करंट लग गया और वो नीचे जमीन पर गिर गया। बहरहाल मामले में पुलिस और परिजनों की अलग अलग थ्योरी सामने आ रही है। इन दोनों थ्योरी के बीच छात्र की मौत हत्या और हादसे में अटक गई है। गुरुग्राम से सुशील सिंह की रिपोर्ट। तो करनाल सीआईए को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सीआईए ने बंदूक की नोक पर फैक्ट्री में चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। सीआईए इंचार्ज सरदार गुरविंदर सिंह ने बताया कि बीती 21 जनवरी को हरि सिंह एनर्जी फैक्ट्री में 12-13 बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था, जिससे हमारी टीम ने कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश के रहने वाले लूट की गैंग के दो बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से चोरी के सामान का 80% सामान बरामद कर लिया गया है। सीआईए 1 शाखा ने किया खुलासा, फिल्मी अंदाज में की थी चोरी, बंदूक की नोक पर फैक्ट्री की साफ। प्रदेश में वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। पुलिस एक जगह चोरों को गिरफ्तार करती है, दूसरी तरफ दूसरा गिरोह पुलिस को चैलेंज करते हुए एक और वारदात को अंजाम दे देता है। ऐसा लगता है कि अपराधियों में कानून का डर खत्म सा हो गया है। आए दिन हो रही वारदातें इसका सबूत दे रही हैं। तारीख 21 जनवरी, जगह हरि सिंह एनर्जी फैक्ट्री करनाल, समय रात 1 बजे। 12-13 हथियारबंद बदमाश फैक्ट्री में घुसते हैं। पहले बदमाशों ने गार्ड को गन पॉइंट पर लिया और इसके बाद बदमाश फैक्ट्री के अंदर दाखिल हुए। बदमाशों ने एक के बाद एक सभी कर्मचारियों को बंधक बना लिया और 4 घंटे में पूरी फैक्ट्री साफ कर दी, जिसमें लाखों की कीमत के कॉपर वायर समेत कई और सामान गाड़ियों में भरकर फरार हो गए। घटना से आसपास के इलाकों में सनसनी फैल गई। चोरी की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना किया और चोरों की तलाश में जुट गई। इसी कड़ी में करनाल सीआईए को कामयाबी हाथ लगी, जिसमें दो बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस पर सीआईए इंचार्ज सरदार गुरविंदर सिंह ने बताया कि बीते 21 जनवरी को हरि सिंह एनर्जी फैक्ट्री में 12-13 बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें हमारी टीम ने कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश के रहने वाले लूट की गैंग के दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से चोरी के सामान का 80% सामान बरामद कर लिया है। फिलहाल पुलिस अन्य लुटेरों की तलाश में जुटी है। रोड पे एक 21-22 की रात को इंसिडेंट हुआ था। उसमें एक हरि सिंह एनर्जी करके कंपनी है जो ट्रांसफार्मर नए बनाती है, रिपेयर करती है। उसमें 12-13 लोगों ने जबरन उनको बंदर बना लिया जो वहां काम करते थे, और हथियारों के बल पर वहां से जो कॉपर वायर थी और उनको अपने वर्कर्स को वहां बंदर बनाकर वो लोड कर ले। अब देखना होगा कि पुलिस अन्य लुटेरों को कर पाएगी या फिर बदमाश ऐसे ही कानून की धज्जियां उड़ाते रहेंगे। करनाल से लक्ष्य वर्मा की रिपोर्ट। तो आज के इस खास पेशकश में फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।